हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्टोमैथ्स 247 में। आज CHS की फोर्थ क्लास है और इसमें हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्चुअली यूनिट डिजिट पूछने के दो तीन तरीके होते हैं और जब भी आता है इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करते समय बस 2 से 3 सेकेंड या 5 सेकेंड का समय लगेगा आपको अगर ये वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन से लेके चलेंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितने तरीके का होता है। तो क्वेश्चन वन या कह सकते हैं टाइप वन कह लीजिए इसको, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए 253 × 549 × 675 कुछ भी 8 9 3 2 कुछ भी ऐसे इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। हमको बताना है कि इसके एक्सटेंशन में मतलब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब केवल इकाई का अंक क्या होगा। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ 253 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 3 है। अगर हम देखें 549 है, इसका इकाई का अंक कितना है 9 है। 678 है, इसका इकाई का अंक कितना है 8 है। इस तरीके से 932 है, इसका इकाई का अंक कितना है 2 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। मान लेते हैं हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मान लेते हैं और कुछ नंबर आया 5392 5935 कुछ भी इस तरीके से कोई नंबर एक आ रहा है। यहाँ मान लेते हैं कि 7 मान लिया, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या करना है 7 बताना है, क्योंकि यही नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो हम बाकी चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे, मतलब बाकी पूरा कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, बस हम शॉर्ट में देखेंगे इसको एक एक डिजिट लेकर के मल्टीप्लाई करते हुए तुरंत आंसर आ जाएगा और वो 2 सेकेंड के अंदर में ही आंसर आ जाएगा। देखिए 3 को सीधा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसका इकाई और इसका इकाई लेकर के मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 × 9 कितना हो जाएगा 27। अब जो आया उसका भी यूनिट डिजिट ही लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 8 कितना हुआ 56। यहाँ पे भी जो आया उसका हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे तो 56 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 × 2 = 12, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 12। तो लास्ट का जो मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ये अपना यूनिट डिजिट है। इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया 2 8 7 3 9 5 4 3 2 9 6 6 कुछ भी नंबर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां पे मिल सकते हैं। देखिए क्या करना है 7 × 5 = 35। ओके 5 लिख लिया क्योंकि 35 का यूनिट डिजिट 5 होगा, फिर 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10। तो 10 का हमें क्या लेना है, केवल 0 लेना है। फिर 0 × 6 कितना होगा 0, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा अपना इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी होंगी। एक चीज देखिएगा, हमें अगर कहीं पे 5 मिल जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 5 मिल गया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग और जल्दी से कर सकते थे केवल देख करके। कहीं भी अगर यूनिट डिजिट में 5 मिल जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 5 मिला था, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसके अलावा कोई इवन नंबर है या नहीं है, कोई इवन नंबर है या नहीं है। तो 5 के अलावा देखिए यहाँ पे यूनिट पे 7 है, ऑड नंबर है, यहाँ 2 है, इवन नंबर है। एक इवन नंबर मिल गया ना, और अगर एक भी इवन नंबर मिल गया तो इसका आंसर आप रट जाइए कि 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में किसी भी एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है और बाकी कोई भी एक एक नंबर का यूनिट डिजिट कोई भी एक इवन नंबर है, तो वहां पे आंसर आपको क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। और 5 है मल्टीप्लाई, सारे नंबर ऑड हैं, सारे नंबर ऑड हैं, मतलब यूनिट डिजिट पे केवल 1 3 5 7 9 है, तो वहां पे क्या आएगा 5 आएगा इसका आंसर। ये चीज आपको माइंड में रखनी होगी, जिससे आप देख करके केवल क्वेश्चन का आंसर दे देंगे विद इन 1 सेकेंड, और इसको करने में लगभग 2 से 5 सेकेंड लग जाएंगे अगर इस तरह से करेंगे तो। और इस क्वेश्चन में तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा क्योंकि 5 कहीं नहीं दिख रहा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक छोटा सा पैटर्न जो कि मल्टीप्लाई करके था। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप जो होगा इसका वो पावर बेसिस होगा, पावर मतलब इंडेक्स के बेस पे होगा। ठीक है, उसमें एक नंबर दिया जाएगा, उसकी पावर कुछ नंबर रहेगी, उस बेसिस पे बताना होगा कि उसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 to the power 95, इसमें जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, या फिर हमसे पूछा जाए
थ्री टू दी पावर 932, ठीक है। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट मस्ट बी द यूनिट डिजिट, या फिर हमसे ये पूछा जाए 6 to the power 329, ठीक है, इसपे यूनिट डिजिट क्या होगा, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, जैसे 193 होल टू दी पावर 958, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर थोड़ा सा इसमें जोड़ घटाना कुछ बता दिया जाए, जैसे मान लेते हैं 932 होल टू दी पावर 957 प्लस 385 होल टू दी पावर 385, इनके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब हमारे पास आ जाते हैं तो देखिए 2 की पावर 95, मतलब 2 को 2 2 2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए 95 बार लिखना है, और अगर हमसे पूछा जाए कि इतना मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, तो ये करना हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और शायद एक आध घंटे तक में भी ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए हम करते क्या है, इसके सीधे शॉर्टकट से आते हैं, सीधा इसका हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे और 2 से 5 सेकंड में इसका भी आंसर हम लोग ला देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा, जो भी रहेगा पावर में, ठीक है, पावर में जो भी रहेगा उसके लास्ट 2 डिजिट को हमें डिवाइड करना है। सारे क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। देखिए लास्ट में जो भी रहेगा पावर की लास्ट 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना है, ये इसका शॉर्टकट है। और भी तरीके होते हैं, इसकी साइक्लिसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन साइक्लिसिटी हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि वो टाइम लग जाएगा और उसमें आपको याद करना पड़ेगा किसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, जैसे 7 की 4 होती है, 2 की 4 होती है, 9 की 2 होती है, तो वो सब नहीं देखना है अपने को। अपने को लास्ट का जो पावर होगा, पावर का केवल 2 डिजिट लेना होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 958 था, पावर का केवल 2 डिजिट लेना होगा और हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए जैसे 95 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 8 कितना आया 1, और ये हो जाएगा 5, 4 3 12 कितना आ गया 3, हमें मतलब होगा यहाँ पे रिमाइंडर से, रिमाइंडर कितना आ रहा है गाइस, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जो यूनिट डिजिट था, जो नंबर का यूनिट डिजिट था, यहाँ पे 2 है, इसी पे हम लोग ये जो रिमाइंडर आया है इसको पावर लगा देंगे। तो 2 की पावर 3 का हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया, अब हमें बताना है कि 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें सॉल्व करना हो इसके बाद का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये मान लेते हैं फर्स्ट था, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से अगर हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लेंगे पावर का, ठीक है, पावर के लास्ट के 2 डिजिट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। जैसे 32 को हमने क्या किया, डिवाइड किया 4 से, तो कितना आ जाएगा 4 8 32। अब ये तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, यानी कि रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे 4 से अगर किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 0 बचेगा, इनके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बच सकता है, ठीक है, इनके अलावा और कोई रिमाइंडर बच ही नहीं सकता है। तो करेंगे क्या, अगर 1 आता है तो नंबर की पावर हम लोग 1 करेंगे, अगर 2 आता है रिमाइंडर तो नंबर की पावर हम लोग 2 करेंगे, और अगर 3 आता है तो जो नंबर रहेगा उसकी पावर 3 करेंगे, लेकिन अगर 0 आता है तो उसकी पावर हम लोग कितना करेंगे 4 करेंगे। ये याद रखिएगा, 0 आता है तो रिमाइंडर हम लोग कितना मान लेते हैं उसको 4, क्योंकि 4 से ज्यादा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, और 0 तभी आया जब यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया, मतलब 4 का ही कोई मल्टीपल मिला तभी, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को करते हैं फिर से, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर कितना पाया था 0 पाया था। देखिए रिमाइंडर अगर 0 है तो हमने क्या बताया, रिमाइंडर 0 जिसको हमें 4 समझना होगा, तो क्या करेंगे हम 3 to the power 4 कर लेंगे, और 3 to the power 4 जब करेंगे तो ये होता है 81, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा अपना, यूनिट डिजिट इज 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 3 to the power 932 के लिए। इसके बाद देखिए 6 की बात करते हैं, 6 to the power 329, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पावर लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, पावर का लास्ट का 2 डिजिट 29 है, डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28। अब देखिए ऐसे ही करना है इसको, डिवाइड वगैरह का काम अब आप मन में कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी और आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। जैसे देखिए 4 से डिवाइड करना 29 को, तो कितना आ जाएगा 4 7 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है 1, 4 से डिवाइड करने पे 29 को रिमाइंडर कितना बच रहा है
वन, तो हमें क्या करना है सिक्स टू द पावर वन लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे यूनिट डिजिट सिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे करेंगे थ्री टू दी पावर 58, तो थ्री टू दी पावर हमें यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट ही लेना है, बाकी सारे डिजिट नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो करेंगे क्या, थ्री लिख लेंगे, 58 है, 58 को 4 से डिवाइड करना है अगर हमें देखे, तो हम करेंगे क्या 58 को दो भाग में बांट लीजिए, 40 प्लस 18, तो 40 तक तो डिवाइड चला जाएगा, बचा कितना 18, तो 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, जैसे 58 है इसको हम 40 प्लस 18 कर सकते हैं ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन जब 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 2, तो कहने का मतलब हमें 3 की पावर कितनी लगानी है 2। यहाँ पे हमने शॉर्टकट इसलिए किया क्योंकि 4 से डिवाइड करने में आपसे गलती ना हो और थोड़ा सा और जल्दी हो जाए, तो 40 और 18 टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसकी वजह से ये थोड़ा और छोटा हो गया, तो 3 टू द पावर 2 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा ये इसको अरेंज करते हैं पूरा और आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो लास्ट में लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 ही लेना है हमें और पावर कितना है 57, तो फिर से अगर हम देखते हैं तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 57 को तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और बीच में यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ देखिए 385 है, तो 85 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर हम 85 को डिवाइड करते हैं 4 से, अगर हम 85 को डिवाइड करते हैं 4 से तो देखिए कितना रिमाइंडर आएगा 1 बचेगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 1, ये हो जाएगा 2 और ये प्लस कितना हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट इक्वल टू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके और भी एक दो शॉर्टकट्स हैं उनकी बात करते हैं, जैसे देखिए कहीं कहीं पे क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से आएगा जैसे 2 3 5, जैसे अभी एक क्वेश्चन था इस तरह का 9 3 2 कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूनिट डिजिट अगर 5 मिल रहा है तो हम क्या लिख देंगे उसके लिए, उसका सीधा सीधा आंसर होता है 5, यानी कि अगर कहीं भी यूनिट डिजिट 5 है पावर में कुछ भी है तो उसके लिए हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा आंसर का 5 ही रहेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं मान लीजिए 10506 इस तरीके से है 937, तो करेंगे क्या पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट अगर 6 है तो आंसर क्या आएगा अपना 6 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें चार नंबर्स को याद रखना होगा 10 5 और 6 को, ये चारों नंबर अगर है यूनिट प्लेस पे इस तरीके से, ठीक है, तो वहां पे पावर कुछ भी रहेगी आपका जो नंबर यूनिट डिजिट पे आएगा लास्ट में वो क्या होगा एक्सपेंशन करने के बाद 1 के लिए 1 ही होगा, 0 के लिए 0 ही होगा, 5 के लिए 5 ही होगा और 6 के लिए 6 ही होगा, ठीक है। तो आप 1056 या 1056 या 1056 इस तरीके से करके इसको याद रख सकते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 1 होता है तो पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 0 होता है तो पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा, अगर यूनिट डिजिट 5 होता है तो पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा, और अगर यूनिट डिजिट 6 होता है तो पावर में कुछ भी रहे यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। थैंक्स।